नमस्कार मित्रों, वी प्लस ऑनलाइन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 5वीं 8वीं के जो राज्य शिक्षा केंद्र में हो रहे हैं, उसमें जो कैटेगरी है उसको आप कैसे करेक्ट करेंगे। कैटेगरी करेक्ट होने का ऑप्शन यहाँ पर हाइड किया हुआ, बाकी चीज़ें फादर्स नेम, मदर्स नेम और नाम तो यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब आप कैटेगरी को करेक्शन के लिए जब यहाँ पर एडिट पर क्लिक करते हैं तो कैटेगरी का ऑप्शन जो है हाइड रहता है। आप देख सकते हैं, जैसे कैटेगरी आपको यहाँ पर चेंज करनी है तो मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी, जो स्टूडेंट की कैटेगरी है, उसे आप चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे अभी हम ये फर्स्ट वाला स्टूडेंट है, इसकी कैटेगरी हमें यहाँ पर चेंज करनी है, जो बाय मिस्टेक ST यहाँ पर आ गई है, बाकी इसकी जो कैटेगरी है वो हमें SC करनी है। तो चलिए देख लेते हैं प्रोसेस को कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैपिंग वाले पोर्टल पर आ जाना है, कि अच्छा पोर्टल है। तो चलिए तो गूगल में यहाँ पर हमने समग्र शिक्षा पोर्टल सर्च किया, सबसे पहली जो लिंक आएगी यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर कॉर्नर में आप देख पा रहे हैं गेस्ट यूज़र लिखा हुआ है। इसके बाजू में जो ये एरो का निशान बना हुआ है, यहाँ पर जो एरो का निशान बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके लॉगिन करना होगा। तो आप अपना जो यूनिक ID और पासवर्ड, आप गवर्नमेंट और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर ID, जो स्कूल का रजिस्ट्रेशन होता है, उस ID को, जो कि हम RTU की ID पासवर्ड बोलते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। मित्रों, हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है समग्र शिक्षा पोर्टल को। यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको इस पूरे विंडो में सर्च कर लेना है कि स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट कहाँ लिखा हुआ है। कभी ये आगे पीछे हो जाता है तो आपको स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट पर यहाँ पर क्लिक करना है और उनकी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टूडेंट प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो स्टूडेंट प्रोफाइल है, इसमें आप देखेंगे कॉर्नर पर एक एरो बना हुआ है, ड्रॉप डाउन एरो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन जो है अवेलेबल हो जाएंगे। इन ऑप्शन में से आप यहाँ पर देखेंगे कि अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप, ये वाला जो ऑप्शन है ये अपडेट करने का है। डिटेल पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप यहां पर गेट स्टूडेंट डिटेल फ्रॉम समग्र पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं जो आपकी ये डिटेल है, ये आपकी एजुकेशन पोर्टल की डिटेल है और इस तरफ जो राइट साइड में जो डिटेल है ये समग्र ID की डिटेल है। तो दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले देख लेना है कि यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर ST दिया हुआ है और यहां पर ST दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये समग्र ID में पहले आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा, तब आपकी समग्र ID में ये डिटेल यहाँ पर आएगी। तो जो जो भी करेक्शन आपने समग्र ID में कराए हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे अपडेट स्टूडेंट डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। समग्र ID में भी अगर ST आ रहा है तो सबसे पहले आपको समग्र ID करेक्शन करवानी पड़ेगी। समग्र ID ऑनलाइन आप करेक्शन कर सकते हैं, इसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है जिसे कि आप देख सकते हैं चैनल पर। तो चलिए, अब हम यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और इस प्रोफाइल को हम अपडेट कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 5वीं 8वीं एग्ज़ाम में आएंगे, इस बार आपको स्टूडेंट की डिटेल जो है यहाँ से सिंक करनी होगी। जैसे ही आप सिंक करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें करेक्शन होकर के आपको दिखाई देने लगेंगी। तो दोस्तों, ये थी कम्प्लीट प्रोसेस कैटेगरी को चेंज करने की।